नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे रेलवे के किरण पब्लिकेशन के सामान्य अध्ययन के बुक का। दोस्तों हम रिव्यू करेंगे, इसमें केवल केवल आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जीएस के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, केवल सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बुक में दोस्तों आपको ईयर वाइज और सेट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन किरण पब्लिकेशन का रेलवे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक है। इसमें आपको 2018 से 2023 तक के क्वेश्चन को कवर किया गया। इस बुक को दोस्तों हाइब्रिड मोड के तहत तैयार किया गया, मतलब ऑफलाइन बुक से और ऑनलाइन मॉक टेस्ट और के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बुक दोस्तों सारे रेलवे के एग्जाम को कवर करता है, जिसमें रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया, एएलपी के एग्जाम हो गया, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और जो रेलवे का इंटरनल एग्जाम होता है उसे भी कवर किया गया इस बुक के अंदर। ठीक है दोस्तों, 55 सेट आपको देखने को मिलने वाले हैं। इस बुक का जो एमआरपी है दोस्तों 395 है, जिसपे आपको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट मिलेगा। और इस बुक का जो कोड है दोस्तों KP4892 कोड है इस बुक का। ठीक है, आगे दोस्तों अगर हम देखें तो इस बुक में 568 पेज आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जीके के काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के एग्जाम में। नॉन टेक्निकल पोस्ट होगा तो उसमें तो काफी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों इस बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, वो आपको ऑनलाइन भी आप लगा सकते हैं इनके ऐप से, इनके वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे कूपन कार्ड दिया गया, जिसको स्क्रैच कीजिएगा तो बुक के साथ आपको मिलेगा, सारा स्टेप्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखेंगे कि ये बुक दोस्तों किरण पब्लिकेशन का रेलवे सामान्य अध्ययन है। इस बुक में आपको 255 सेट है और रेलवे के सारे एग्जाम को कवर किया गया है, ये पहले पेज में बताया गया है। उसके बाद अगर हम सेट्स को देखें तो यहाँ पे दोस्तों 395 एमआरपी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। अब दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले ईएलपी का सेट आपको देखने को मिल जाएगा, फिर एसआई का सेट आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद कांस्टेबल, उसके बाद एनटीपीसी स्टेज 1 के एग्जाम, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि स्टेज 2 के भी एग्जाम को कवर किया गया है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ग्रुप डी के एग्जाम और जो इंटरनल एग्जाम होता है जीडीसीई का उसे भी कवर किया गया है। कुल मिला के यहाँ बताया गया है कि एनटीपीसी के 53 सेट है, ईएलपी के 11 सेट है, एनटीपीसी के 7 सेट है, ईएलपी के 5 है, स्टेज 1 और 2 मिला के ग्रुप डी के 18, आरपीएफ कांस्टेबल के 6 सेट है यहाँ पे। तो ये कुल आप ये सारा कुछ आपको बताया गया दोस्तों। आगे दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पहला सेट है आरआरबी ईएलपी टेक्नीशियन परीक्षा 9/8/2018 पहली पाली। अब यहां से आप पता लगा सकते हैं कि जो टेक्निकल एग्जाम होता है उसमें जीएस के मतलब जीके के क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो यहां दोस्तों देखेंगे कि 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो सॉल्यूशन है वो काफी डिटेल में है, मतलब अच्छे से बताया गया है। एक ही क्वेश्चन से आप 3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्यूशन आपको बताया गया है। एक और सेट को देखते हैं 9/8/2018 शिफ्ट 2, तो यहाँ पे भी आप 10 क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन का जो संख्या है दोस्तों वो फिक्स है। ठीक है ना, जैसा कि इनके सिलेबस में दिया होता है तो 10 क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इनके सॉल्यूशन को अगर आप दोस्तों देख लेते हैं तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब वही एनटीपीसी जो नॉन टेक्निकल एग्जाम होता है, यहां पे अगर क्वेश्चन का संख्या देखेंगे तो 36 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केवल यहां पे, और जो 3-4 क्वेश्चन बच गए, 40 क्वेश्चन टोटल होते हैं, तो 4 क्वेश्चन जो बच गए वो दोस्तों पूछे जाते हैं साइंस से, करंट अफेयर से। करंट अफेयर के भी हालांकि यहाँ क्वेश्चन है, मतलब साइंस के 4 क्वेश्चन इस सेट में पूछे गए हैं। इसी तरह हम आगे देखेंगे दोस्तों तो एनटीपीसी के एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में जीएस से जीके का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है, तो यहाँ 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके सेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इससे आप बेहतर आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेलवे के। ठीक है ना, तो बुक दोस्तों काफी अच्छा है, जीके और जीएस का बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यही आपको देखने को मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन का सामान्य विज्ञान और ये बुक दोस्तों सामान्य अध्ययन, तो ये दोनों बुक आपके पास होना चाहिए। लिंक आपको दोनों बुक का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आपने वीडियो अंत तक देखा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।